attention, for God's sake. We take it too seriously. There was Miss Mayawati. She's walking along the street with... बसपा सुप्रीमो बहन मायावती पर अश्लील टिप्पणी करने वाले रणदीप हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देश के तमाम बहुजन समाज के लोग बहन जी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज के लोग रणदीप हुड्डा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो कहीं पर रणदीप हुड्डा पर FIR भी करवाई गई हैं। भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर 27 मई रात से गुरुग्राम सेक्टर 37 के बाहर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। भीम सेना प्रमुख आज गुरुग्राम थाना सेक्टर 37 के बाहर अपने तमाम साथियों समेत रणदीप हुड्डा की गिरफ्तारी के लिए प्रशासन पर दबाव डालने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं क्वास्को TV। रोज़ाना खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय भीम भाई। भारत देश के मूल निवासियों, जिंदा हो मर गए, जो अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ सकता वो मुर्दा है, और जो अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ सकता है वो जिंदा है। बाबा साहब अंबेडकर जी का मिशन चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जय भीम कहने से मिशन नहीं चलेगा। आज सड़कों पर आना होगा। आप अगर बहुजन समाज के साथी हैं और आप किसी भी पार्टी के हो, किसी भी संगठन के हो, बहन मायावती जी को गाली दी, अश्लील शब्द बोले, अगर आपका खून खोलता है, अगर दिखता है आपको एक बीमार इंसान जो बीमार है, शकल आप देख रहे हो, उसके बावजूद भी यहां धरने पर है और पुलिस लगातार धमकियां दे रही है हमको कि हम फोर्स बुलाएंगे और आपको भगा देंगे, और पुलिस ये कह रही है, कौन है मायावती बताओ भाई? पुलिस कहती है कौन है मायावती? उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, परिचय दूं? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, परिचय दूं? आयरन लेडी, परिचय दूं? बहस खूब हुई है। यहां DCP को भी पता है, वो भी आंख फाड़ फाड़ के देखेगा। और भाई यहां ACP ने भी बेरा है, यहां बेरा है पुलिस कमिश्नर ने भी, लेकिन हरियाणा पुलिस का जो ढर्रा चल रहा है वो तोड़ना है। जो हरियाणा सरकार, BJP सरकार के हालात चल रहे हैं, गरीबों को न्याय नहीं मिलता, अत्याचार होते हैं, न्याय नहीं मिलता, उसको खत्म करना है। बहन मायावती को गाली दी गई और हुआ क्या? FIR दर्ज नहीं हुई। बहाने, 100 बहाने। SC ST एक्ट का सेक्शन 18A इसीलिए बनाया है, शिकायत आते ही कार्रवाई करो। लेकिन इन्होंने, ये देख दिखाऊं, अगर किसी में शर्म होना है तो देखना, इसके नीचे रोंद दिया, SC ST एक्ट इसके नीचे रोंद दिया, ये रोंद दिया इसके नीचे SC ST एक्ट। और किसने रोंद दिया? पुलिस ने रोंद दिया, सरकार ने रोंद दिया। कोई न्याय नहीं दिला सकता तुम्हें। जब बहन मायावती के ऊपर इतनी अश्लील बात करी जा सकती है, उनको न्याय नहीं मिल सकता, तो तुम्हें कहां से मिलेगा? आप काम करें सीधा सीधा, बिल्कुल क्लियर तौर पे बोल रहा हूं, आप काम करें सीधा सीधा। सुबह 11 बजे थाना सेक्टर 37 गुड़गांव हरियाणा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो। अगर आपका खून खोलता हो, आपके मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंची हो, तो पहुंचो। किसी को फोन करके इनवाइट नहीं करूंगा भाई,
मेरे घर का काम नहीं है, मेरी छोरी का ब्याह कोनी, मेरी बहन का ब्याह कोनी, बहन कुमारी मायावती को गाड़ी दी गई है, पीछे हम भी ना हटे। सुबह 11 बजे पूरे दल बल के साथ में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, आप सभी साथियों को सेक्टर 37 थाना गुड़गांव हरियाणा पहुंचना है। और जितने साथी बैठे हैं भाई आए हुए हैं, इनको मैं बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं सभी साथियों का कि ये मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आज आपको अपनी एकता का परिचय देने की जरूरत है। और एक बात और बता दूं, अकेला ही काफी हूं वन मैन आर्मी, किसी कोई घमंड में ना रहे। अक मैं नहीं आया तो काम नहीं चलेगा, काम तो चलेगा। एकला होऊंगा, जेल चला जाऊंगा, भीतर चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिंदगी एक बार मिली है, मान सम्मान स्वाभिमान से जीऊंगा, बार बार नहीं। जय भीम। इस वीडियो को शेयर कर दो, रात रात में वायरल कर दो। सुबह 11 बजे सेक्टर 37 थाना गुड़गांव हरियाणा पहुंचना है। जय भीम भाई, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।